पूरे पर्वतों से घिरा मेघालय यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। बहुत सारी पर्वतरांगा, जैसे महाराष्ट्र में अपनी सह्याद्री की पर्वतरांगा हम लोग निकल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं अपनी यात्रा भारत में। हम तो घूम के नासिक से मेघालय तक आ ही गए, करतारपुर पाकिस्तान के दर्शन किए, नेपाल के दर्शन किए, भूटान के किए, अब मेघालय से जा रहे हैं म्यांमार की तरफ। लेकिन बीच में दिखता ये खूबसूरत वादी का दृश्य, बहुत ही अमेजिंग, इट्स वंडरफुल। तो ये जिस रोड से हम घूम रहे हैं दोस्तों, ये है बॉर्डर का रोड। ये मुझे अभी पता चला, ओ माय गॉड, मतलब इस रोड के उस साइड में है बांग्लादेश। ये देखिए ये, ओह, अभी डाउके सीधा जाना आपका, कहाँ जाना, वैसे जो चल रही हो बांग्लादेश में, इंडिया से गई है उधर। That's amazing, जो क्रिस्टल क्लियर वाटर जो दिख रहा है वही ये डाउकी। और जो नमस्कार, अच्छा लगता है एक प्रकार से हम एक दूसरे को मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हम जहां पाकिस्तान बॉर्डर गए थे, गुरुद्वारा बना है करतारपुर गुरुद्वारा, तो वहां पे हम उनसे बातचीत किए और यहां पे आज आपसे बातचीत करके अच्छा लग रहा है। तो शुरू है हमारा सफ़र, हम जा रहे हैं आगे और एक नया एक्सपीरियंस हमको आने को, नया एक्सपीरियंस मिला हमको कि भारत से बांग्लादेश जाके, बांग्लादेश से वापस भारत मेघालय में आके अभी हम आगे जा रहे हैं। तो बहुत सारी बॉर्डर्स हमने देखे आज तक, लेकिन ये अलग प्रकार की एक बॉर्डर सिस्टम हमको आज देखने को मिली, जो पुंछुलिंग से जयगांव, जयगांव से पुंछुलिंग, जो भारत भूटान की बॉर्डर थी अपने करतारपुर पाकिस्तान की थी, वैसे ही ये बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के धरती पर आप कदम रखना चाहते हो तो डाउकी आओ, डाउकी के दूसरी साइड आओ, वहाँ से आप बांग्लादेश घूम के वापस आओ। तो चलते हैं हम आगे म्यांमार की तरफ। तामोदिल में आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है भारत बांग्लादेश का मैत्री द्वार, और यहाँ पे ही 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर बोल रहा हूँ, 50 मीटर दूरी पे लिखा है वेलकम टू बांग्लादेश तामोदिल लैंड कस्टम स्टैंड। और ये जो आप भारत से जा रही है गाड़ियाँ, ये अपने भारत बांग्लादेश मैत्री द्वार से जा रही है, बहुत ही अच्छा लगा। बाइक का भी पीछे लगा के मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ ये पूरा एरिया। ये देखिए यहाँ पे अपना इंडिया का फ्लैग, और मेघालय से जाती है गाड़ियाँ तामोदिल पॉइंट से बोलते हैं, और यहाँ पे पीछे लिखा है वेलकम टू बांग्लादेश वेलकम टू बांग्लादेश के बोर्ड तक हम जाते हैं।
ये देखिए वेलकम टू बांग्लादेश। अभी मैं थोड़ी तस्वीरें खींचता हूँ फिर अंदर। वेलकम टू बांग्लादेश आणि ह्या गाड्या जात आहे त्या तामबिलमधून। तामबिल म्हणजे हे असं पॉईंट आहे का जिथून बांग्लादेश बरोबर आपला मैत्रीद्वार जे जिथून सुरू होतं तिथं, आणि इथं हे बघा आता हे बांग्लादेशमधून लिहिलेलं आहे। ते मला काही कळणार नाही नेमकं काय लिहिलेलं आहे, पण ढाका लिहिलेलं आहे इथून जवळजवळ कितीतरी किलोमीटर। हे 3 नंबरचं जे आहे ते ढाका आणि 4 नंबरचं एखाद्या वेळेस सिलेट असू शकतं, पण आपण एक्झॅक्ट सांगू शकत नाही नेमकं काय असू शकतं। तर अशा प्रकारे आपण पोहोचलो होतो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप गेट, तुम्ही माझ्या मागं बघत आहात तिथं। तर छान वाटला, BSFवाल्यांनी देखील आपल्याला सहकार्य केलं आणि बॉर्डरवर येऊन एकदम छान वाटलं। हे बघा हा बांग्लादेशचा झेंडा माझ्या मागं आणि तिकडं आहे आपला भारताचा झेंडा। खरोखर एकदम छान आणि एकदम मस्त अनुभव आला हा तामबिलमधला। आणि पुढंच लिहिलेलं आहे आपलं वेलकम टू इंडिया मेघालय में आपका स्वागत आहे। तर मेघालयमधली ही बाउंड्री तामबिल आपण बघत आहोत आणि इथूनच बांग्लादेशी पासपोर्ट वगैरे कस्टम ऑफिस आहे तिथं आपल्या इंडियाकडून जे चेकअप ते इंडियाकडून होतं। तर अशा प्रकारे तामबिल चेकपोस्ट आपण पाहून जाऊया पुढे। तर 34व्या दिवशी आपला प्रवास पोहोचला होता बॉर्डरवर आणि तेव्हा ती उभी बॉर्डरवर पिल्लरजवळ बांग्लादेशच्या पिल्लरला उभी हात लावून 1275 कशा लागत कशा लागत पिल्लर नाही का तिकडं कसं करता का बॉर्डरवर ना आपण इंडिया बांग्लादेश। तर इस प्रकार दोस्तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और ये फ्रेंडशिप गेट है और फ्रेंडशिप गेट से जो चलता है पूरा इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप गेट से ये होता है, फिर अच्छा लगता है। और अभी जाएंगे तो हम अलग अलग तस्वीरें खींच रहे हैं अभी, क्योंकि सेल्फी अगर लेते हैं तो नाम उल्टा आता है, इसलिए मेरी तस्वीर वो खींच रहे अभी देखो। और अभी बांग्लादेश की तामबिल बॉर्डर को विजिट करके वापस जा रहे हैं हम अपने वतन अपने भारत। मेघालय में आपका स्वागत, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप गेट, और यहाँ पे लिखा है वेलकम टू इंडिया का बोर्ड, यहाँ पे भी तस्वीरें। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का? अच्छा अच्छा। तो अच्छी यादें लेके अभी हम जा रहे हैं आगे जोवाई, जोवाई से सिलचर। जोवाई मतलब जावाई नहीं, जोवाई वो गाँव का नाम है वहाँ पे। और भारत बांग्लादेश मैत्री द्वार से अभी हम जाएंगे आगे सिलचर की तरफ। चौदह किलोमीटर चलते ही जा रहे चलते ही जा रहे, 14 किलोमीटर तक लंबी ट्रकों की लाइन। और अभी हम पहुँचे हैं जोवाई। जोवाई अभी भी यहाँ से है 32-30 किलोमीटर दूर है बैटरी चार्ज नहीं। आठ किलोमीटर बचा है यहाँ से और रास्ता के गाँव के नाम बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब पढ़ने में और उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक से हम कर नहीं पाएंगे, ऐसे गाँव के नाम हैं। अभी जो जोवाई से पहले जो गांव लगेगा उसका तो अलग ही कुछ तो भी, मतलब लिंगथर पिंक मैंने अभी पढ़ा पीछे, तो यही खास बात है अपने भारत की। अनेक राज्यों में अनेक भाषा में अनेक पहनावे में भी सभी विविधता में हमें एकता नजर आती है। दूर दूर से पर्यटक यही देखने आते हैं कि ऐसी क्या बात है भारत में, ऐसा क्या है। तो अनेक राज्यों में जो अनेकों विध भाषा बोली जाती है, अनेकों विध लोगों की संस्कृति है,
अलग अलग पोशाक है लोगों की, तो अलग अलग ये सब होके भी अपने देश में अनेकता में एकता है, विविधता में एकता है, यही अपने देश की खास बात है। तो मैं बोल रहा था आपसे कि हम सबसे पहले गए करतारपुर पाकिस्तान, पाकिस्तान की भाषा है उर्दू, राष्ट्रीय भाषा। बाद में गए नेपाल, नेपाल की भाषा है नेपाली। बाद में गए हम भूटान, भूटान की भाषा भूटानीज, जो अलग ही है, मतलब सबकी एक ही है। लेकिन जब से हम भारत में घूम रहे, गुजरात में गए तो गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, हरियाणा में हरियाणी, पंजाब में पंजाबी, आसाम में आसामीज, मेघालय की अलग ही भाषा है। अब जब हम आए बंगाल में गए बंगाली, अब जब हम त्रिपुरा जाएंगे तो वहाँ की अलग है, मणिपुर की अलग है, नागालैंड की अलग है। तो ये अलग भाषा होके भी सब में एकता हमें नज़र आती है, और यही हम देख रहे हैं पूरे इस हमारे राइड में। तो चल रहे हम आगे, अभी भी जो है यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं आगे। तो हम पहुंच गए हैं जोवाई। ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है यहाँ पे, ये जोवाई का। और सबसे बड़ी सिटी यहाँ पे जोवाई में ही है। यहाँ से अभी हमें जाना है सिलचर की तरफ, सोच रहे हो। और 5:30 बजे अभी खाली, तो अंधेरा देखिए आप कितना हुआ है। इतने पहाड़ों में ऊपर आने के बाद मुझे लगा नहीं था कि इतने बड़ा एक ये लगेगा। डाउकी के बाद लगने वाला सबसे बड़ा शहर जोवाई लगता है। सिलचर हाईवे 165 है यहाँ से, और जोवाई तक आने तक मेरे मन में दुविधा थी कि जोवाई में मैं रुक जाऊँ क्या, आगे रोड अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन ये तो नेशनल हाईवे नंबर 6 लग गया, बहुत बढ़िया। तो अभी बजे 6:15, तो अंधेरा देखिए आप कितना है। तो लगभग अभी 1.5 घंटा और गाड़ी चलाएंगे और रेस्ट करेंगे, देखते हैं कितना किलोमीटर कवर करते हैं आज। हाँ तो दोस्तों, बहुत देर बाद, कितनी बजे आया था, 7:30 ना, 8:15 हम रुके। ये लुम्सनाग एरिया, लुम्सनाग एरिया में लक्ष्मी होटल। और यहाँ रुके थे हम अभी मेघालय स्टेट, और यही से 50 किलोमीटर दूर बाद आसाम लग जाता है। जी सही ना? जी सर। हाँ, तो लक्ष्मी होटल के ये ओनर, क्या नाम आपका? श्री अधिकार जी। श्री अधिकार जी, अभी हमको पनीर और रोटी खिलाएंगे। ये है साथ पनीर, बैंगन, रोटी और साथ ये, मतलब हम जिसे तांदुल का बोलते हैं मराठी में, तांदुल का। तो हे जवान करून आता,
गुरु पंचाली लगे अभी भूख लगी तो टिकी है ओके चलो बाप रे तो आज का दिन काफी टफ रहा दोस्तों अभी कितनी बजे है भाई बोला 9:30 बजे कभी भी मैं इतनी देर तक गाड़ी नहीं चलाया आज जब मैं कहाँ यार हाँ अजमेर जब जा रहा था मैं तब बीच में हाईवे पे एक बार रुका था तब 10 बजे मैंने लिया था 10:15 बजे लिया था और आज पहली बार 9:30 बजे मैंने होटल लिया होटल मतलब ये काली ये बेड सिस्टम है 200-200 रुपये बेड सिस्टम से वो लिया अभी 400 रुपये दोनों का और सोनापुर में मिला सोनापुर तो जोवाई से जो निकले हम जोवाई से मैं आपसे मिला था और वो बातें कर रहा था तो कहीं भी नहीं है बीच में मतलब पहले 15-20 किलोमीटर आपको बहुत से गेस्ट हाउस लगेंगे लेकिन बाद में कहीं भी नहीं लगेगा डायरेक्ट सोनापुर में वो भी बेड सिस्टम और बीच में एक जगह है मुंगरे बोल के जगह है वहाँ पे आपको एक गेस्ट हाउस मिलेगा बाकी बीच में कहीं नहीं मिलेगा डायरेक्ट सिलचर नहीं तो फिर उससे पहले मिलेगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही सुबह हमने शुरू किया था शिलोंग से एलिफेंट फॉल्स से फिर गए हम मौनली लॉन्ग से फिर आए डाउकी से फिर तामोविल से जॉय होते हुए डायरेक्ट सोना तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए देखिए आपका चैनल जय हिंद।